खरगोन जिले के बड़वा के पास रविवार को चोरल नदी में अचानक पानी बढ़ने से इंदौर के दो युवक फंस गए। दोनों युवकों का रेस्क्यू कर प्रशासन की टीम ने बचाया। नदी में बाढ़ आ जाने के बाद बीच नदी में दोनों युवक टापू पर फंसे रह गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर अंधेरे में पहुंचे गोताखोरों और प्रशासनिक अमले ने 3 घंटे से फंसे युवकों का करीब 40 मिनट रेस्क्यू कर नदी से रस्सियों का सहारा लेकर बाहर निकाला और दोनों युवकों की जान बचाई। बड़वा से करीब 5 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र सिद्धकूट रोड पर चोड़ापाट पुल के निकट टापू पर युवक फंस गए थे। बड़वा पुलिस ने बताया कि इंदौर निवासी पवन और सागर प्रजापत रविवार को इंदौर से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आए थे। इस दौरान चोरल नदी के बीच में बैठकर खाना पीने के साथ पिकनिक का आनंद ले रहे थे। अचानक पानी बढ़ने से करीब शाम 6 बजे नदी में पानी आने से फंस गए। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर गोताखोरों को दोनों युवकों ने बचाया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, सूचना मिली थी कि चोरल नदी में 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं। मौके पर पहुँचे पुलिस प्रशासन और मैं खुद भी स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ और दोनों को गोताखोर के माध्यम से बाहर निकाल लिया है। दोनों ही रहवासी इंदौर के बताए गए हैं और दोनों को ही मेडिकल चेकअप करवा के उनको रवाना कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।